बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ मियाँ और आप देख रहे हैं लाइफ स्टाइल एंड कुकिंग। आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं, आज हम बनाने जा रहे हैं मैश पोटैटो चिप्स बनाने जा रहे हैं, जो बहुत ही मज़े की और बहुत जायके वाली बनेगी। ये 4 से 5 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लेके उनको उबाल लिया है और इसको मैंने कटिंग कर लिया। अब हम अच्छे से इसको मैश करेंगे। इसमें जो स्पाइसेस जाएंगे, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, जीरा और खुश्क धनिया मैंने 1-1 टीस्पून लिया है, 1/4 टीस्पून मैंने कुटी मिर्च लिया है और 1/4 टीस्पून से कम मैंने दादर काली मिर्च लिया है, और जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है, और ओरिगैनो मैंने 1 टीस्पून लिया है, कॉर्नफ्लावर मैंने 4 टेबल स्पून लिया है, और लहसुन का पेस्ट मैंने लिया है तकरीबन 1 टीस्पून। ये तमाम चीज़ें हम अच्छे से मिक्स करते हैं। पहले हम आलू को मैश करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम अच्छे से आलूओं को इस तरह मैश कर लेते हैं। ये देखिए मैंने अच्छे से मैश कर लिए हैं। अब हम इसमें तमाम जो हमारे जो स्पाइसेस हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, वो ऐड कर देंगे। ये मैंने सारे डाल लिए हैं और अच्छे से हम इसको मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तमाम व्यूअर्स, मैंने ये अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसको हम बनाते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमने अच्छे से इसको ऐसे कर लिया है और हम इसको अच्छे से बेलते हैं, और बेलने के बाद इसकी कटिंग करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ बेल के। देखिए ये हमारा अच्छे से बन गया है, अब हम इसकी कटिंग करते हैं। हमने इसको चोर्स यानी के चकोर दे देनी है ताकि अच्छे से इसकी कटिंग करके, और ये देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इतना फासले से हमने इसकी कटिंग करते जाना है और इसको वन बाय वन हम निकालते जाएंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट करेंगे, और इसी तरह ये हम इस तरह भी डाल सकते हैं और इसको ऐसे ट्विस्ट करके भी डाल सकते हैं, तो ये अपनी मर्ज़ी है। अगर आप ट्विस्ट करके डालें ये भी अच्छी लगेगी और उस तरह भी अच्छी लगेगी। मैं दोनों तरीके से आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखिए मैं एक दफ़ा फिर आपको दिखा रही हूँ जो मैं ट्विस्ट करके बना रही हूँ, ताकि आपको भी पता चल जाए। और इस तरह हमने बना बना के रखते जाना है और फिर हम फ्राई करेंगे। ये देखिए मैंने सारी कटिंग कर ली है, मुझे टू मच जो बिग लग रही है तो अंदर से मैंने फिर एक कट लगा दूँगी ताकि इतनी लंबी नहीं बने, स्मॉल वन ठीक है, इतनी हमें इतनी भी ठीक है। तो ये देखें, तो अब हम इसको फ्राई करते हैं। ये देखें ये मैंने बना के रख ली है, और बिस्मिल्लाह रहमान, मैंने आँच चला दी नीचे और वन बाय वन करके हम डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान, पहले मैं सिंपल बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चिस्ट वाली बनाऊँगी, और ये मैं ऐसे ही डालती जाती हूँ। जैसे ही गोल्डन ब्राउन होएंगे तो हम इसको निकालते हैं। ये देखें ये गोल्डन फ्राई हो रही हैं, जैसे ये गोल्डन फ्राई होती हैं तो हम इसको निकालते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इसकी साइड चेंज करते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, ये गोल्डन होगी थी, मैंने निकाल लिया, अजान होना शुरू हो गई थी तो मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, और अब मैंने दूसरी डाल दी है और वो फ्राई हो रही हैं। जैसे ये गोल्डन ब्राउन होती हैं तो ये भी मैं निकालती हूँ। ये देखिए व्यूवर्स, ये मैंने दूसरे भी डाल दिए हैं जो मैंने ट्विस्ट करके बनाए थे, ये कि इस शेप के भी बन सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा इस तरह करें तो ये भी। अब जैसे ही गोल्डन फ्राई होते हैं तो हम इसको निकालते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, हमारी मैश पोटैटो चिप्स रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े की बनी है, और आप लोग भी ज़रूर मेरे तरीके से बनाइएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। ये देखिए मैंने ये ट्विस्ट वाली जो ऐसी बनाई है, इस तरह की इसकी शेप आई है, तो आप भी इसी तरह बनाइएगा तो, और बहुत नाइस, बच्चों ज़रा डिफरेंट डिफरेंट हो जाता है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं इसी तरह खाना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो मेरी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।